Yes, good morning, students. Yes, today we are continuing our same exercise 6.3, and which syllabus is deducted from the similar triangle. First, today I will tell you, आपका सिमिलर ये जो चैप्टर ट्रायंगल में करा रही हूँ 6 चैप्टर, इसमें से कौन सा सिलेबस आपका डिडक्ट हुआ है. फर्स्ट आई विल टेल यू, एक तो जो नेक्स्ट थ्योरम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, इट मींस 6.4 एक्सरसाइज एंड इट्स थ्योरम, वो इसके डिडक्टेड है पोर्शन में से. ओके, 6 पॉइंट जो आपकी 4 एक्सरसाइज है और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है वो आपकी 6.4, वो आपकी सिलेबस में से डिडक्टेड है. और एक जो टॉपिक और है जो डिडक्टेड है वो है आपका पाइथागोरस कन्वर्स 6.5 एक्सरसाइज का. जो पाइथागोरस थ्योरम है वो पाइथागोरस तो आएगी, बट इसका जो कन्वर्स है वो अभी तक सिलेबस में नहीं है, जो रिवाइज सिलेबस मैंने पढ़ा है. ठीक है, तो हम बाकी जो है 6.5 एक्सरसाइज की पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन तो करेंगे, बट इसके कन्वर्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे. ठीक है, और जो 6.4 एक्सरसाइज है वो पूरी डिडक्टेड है. और 6.3 एक्सरसाइज का स्टूडेंट, आपको लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें मैंने क्वेश्चन जो थे, हमारा 13 क्वेश्चन चल रहा था और क्लास ओवर हो गई थी, तो मैं 13 क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रही हूँ. अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आएगी तो वो बीच में से भी पूछ सकता है मेरे से. और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, पहले क्वेश्चन रीड कर रही हूँ. यू ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड राइट डाउन द इन योर नोटबुक आल्सो. अगर आपको नहीं समझ आता है तो बीच में से भी पूछ सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिया है, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बी सी. ध्यान से देखो, D is a point on the side BC. D point BC पर इस तरह से है, such that angle ADC, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ADC जो है BAC, इस एंगल के इक्वल है. ये चैप्टर ऐसा है बेटे, इसका एक एक क्वेश्चन जो है, जब तक आप समझते नहीं हो क्लास में तो यू कांट अटेम्प्ट दिस चैप्टर. तो इसीलिए इसको अच्छे से समझो और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वी विल टेक द एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइजेस आल्सो. ठीक है, तो हमारे पास ये गिवन है, इस वाले ट्रायंगल का तो ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये हमारे पास गिवन है. ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें, ध्यान से सुनो, प्रूव करना है सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी. ठीक है, नाउ इसको प्रूव करने के लिए मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताया था, एक बार फिर से बता रही हूं. सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो है एंगल एंगल. अगर एक ट्रायंगल के टू एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स के सिमिलर हो जाते हैं, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या इसे एंगल 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 भी कह सकते हैं. टू एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. और सेकेंड है आपका, अगर टू साइड्स और कंटेनिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल के टू साइड्स और कंटेनिंग एंगल के इक्वल हो जाते हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं. और थर्ड मैंने आपको बताया था, साइड साइड साइड. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या लेना है और किस तरह से हम ये प्रूफ करेंगे, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूं. प्रूफ कैसे लिखेंगे हम, प्रूफ लिखेंगे हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या लू मैं. देखो, क्योंकि ये वाला एंगल किसके बराबर दे रखा है, डी के बराबर दे रखा है, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगी. मैंने आपको बताया था कि जब सिमिलर करना हो तो लिखना किस तरह से है. हमारे पास एंगल ए जो है
वो सिमिलर यहाँ पर इक्वल दे रखा है, एंगल डी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, एंगल ए के, तो इसको मैंने लिखा भी इस तरह से, ठीक है। और सेकेंड चीज, अब इस ट्रायंगल को, ये वाले ट्रायंगल को, ट्रायंगल एडीसी को, ये वाला डीएसी को, और पूरा ट्रायंगल एबीसी में, इस वाले ट्रायंगल का भी एंगल सी एसीडी, ठीक है, और बड़े ट्रायंगल का भी एंगल एसीबी, ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है आपका, तो इस वाले ट्रायंगल का तो एंगल एसीबी, और डीएसी का कौन सा एंगल, इसको लिखेंगे कैसे, एसीडी। एंगल सी क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है। और इसको लिखने का तरीका क्या है, वो सब बच्चे ध्यान से देखना, आप क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करते हो, योर कंसेप्ट इज आल्सो क्लियर, आई हैव सीन योर पेपर्स आल्सो, बट बच्चे क्या करते हैं, इवन देन इन द 15 चैप्टर प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट रिटन द फेवरेबल आउटकम्स आल्सो, ठीक है, तो वो मार्क्स जो है आपके फाइनल में भी डिडक्टेड होंगे और अभी भी डिडक्ट किए गए हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने ये एंगल ही लिखे हैं, तो बच्चे सीधा इसको C इक्वल टू C इस तरह से लिख के आ जाते हो, ठीक है, या तो इसको नेमिंग दे दो एंगल वन इक्वल टू एंगल वन, ठीक है, या तो यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर दो, अदरवाइज इसको किस तरह से लिखना है, इस वाले ट्रायंगल का, ये वाला ट्रायंगल था DAC, इस वाले ट्रायंगल का तो एंगल C, तो इसको लिखेंगे कैसे, ACD, और बड़े वाले ट्रायंगल के C को कैसे लिखेंगे, ACB, ये आपका क्या है, कॉमन। बच्चे कोई तो रीजन नहीं लिख के जाते हैं यहाँ पर, सिर्फ C इक्वल टू C कॉमन, ऐसे नहीं करना, ये एक्सरसाइज में जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। और सेकेंड चीज, ये हमारे पास गिवन दे रखा है, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का तो BAC यहाँ पे मैंने लिखा है, और छोटे वाले ट्रायंगल का ADC, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल के दो एंगल, इस ट्रायंगल के दो एंगल कौन से हो गए, एक ये और एक ये, बड़े ट्रायंगल के टू एंगल्स कौन से हो गए, एक आपका ये और एक आपका ये, तो ट्रायंगल्स क्या हो गए आपके, कॉन्ग्रेंट्स हो, ओ सॉरी सिमिलर हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। बच्चे ये चीज भी नहीं लिखते हैं, ओनली सिमिलर लिख दिया, और कुछ स्टूडेंट अभी भी सिमिलर का साइन जो है वो कॉन्ग्रेंट की तरह ही डालते हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट का साइन है और सिमिलर का साइन इस तरह से है, ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। नाउ हमें प्रूव क्या करना है, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, तो कैसे, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो देयर साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल, उनकी जो साइड्स होती हैं वो भी सिमिलर होती हैं, तो इनके प्रोपोर्शन किस तरह से बनाएंगे हम, इसके प्रोपोर्शन बनाएंगे हम, इसका अगर मैंने ये सी ए लिया है और ये है आपका सी डी, ठीक है, अब अगेन मुझे क्या चाहिए, मुझे सी ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, यहाँ पर अगर मैंने इसका ए सी लिया है तो इसका क्या है, ये बी सी, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मैंने प्रोपोर्शन कैसे बनाए हैं वो देख लो, अगर मैंने ये टू साइड्स ए सी लिया है तो यहाँ पर ये टू साइड्स, ये कौन सी है, पहला और थर्ड, ये डी सी है, और ये लास्ट के टू क्या है, ये हमारा बी सी है और ये हमारा क्या है, ए सी, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी सी, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, चाहे सी ए स्क्वायर लिखो चाहे ए सी स्क्वायर लिखो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, ये सी बी है, सी बी इंटू सी डी, समझ आया आपको ये क्वेश्चन, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी से ट्रायंगल सिमिलर हुए, पहले एंगल एंगल क्राइटेरिया से, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो देन दे आर देयर साइड्स आर आल्सो प्रोपोर्शनल, ये क्वेश्चन समझ आया। अब जब मैंने आपको 12th क्वेश्चन कराया था तो मैंने कहा था कि बच्चे 12th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन को सेम लेके चल देते हैं, लेकिन उसको सेम नहीं लेकर चलना,
उसमें क्या गिवन है 14 क्वेश्चन में, और 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी। हमारा 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, उसमें हमें क्या चीज गिवन है, क्या चीज हमारी प्रोपोर्शनल है, और 12 क्वेश्चन में क्या चीज प्रोपोर्शनल थी। बच्चे इन दोनों को सेम पढ़ के आंसर करके आते हैं, और दोनों क्वेश्चन 12th और 14th बोथ द क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले हम क्वेश्चन करते हैं, द साइड ए बी एंड ए सी, मैं फिगर बना रही हूं, उसमें जो हमारी साइड दे रखी थी ना प्रोपोर्शनल, वो ए बी और बी सी दे रखी थी, ये डिफरेंस है, और इसमें जो साइड दे रखी है वो ए बी और ए सी दे रखी है, बस ये डिफरेंस है। और बच्चे क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शन जब लाना होता है, ट्रायंगल जब सिमिलर करने होते हैं, तो वो वाला आंसर 12 क्वेश्चन वाला लिख कर आते हैं, लेकिन इसको किस तरह से करना है वो मैं आज बताने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन का एक एक वर्ड नोट करना और इसको ध्यान से समझना। साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू एंड पी आर, पी क्यू और पी आर, और ये ए बी और ए सी, ये दो साइड है, और साथ में इस ट्रायंगल का मीडियन पी एम, ये प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, जो इनके प्रोपोर्शनल बन रहे हैं, गिवन में हमारे पास दे रखा है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एबी अपॉन में पीक्यू, एसी अपॉन में पीआर, एसी अपॉन में पी आर, और मीडियन एडी इक्वल मीडियन एडी अपॉन में पी एम, ये आपस में प्रोपोर्शनल है, ये हमारे पास गिवन है। इस चीज का ध्यान से देखना, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो 12 क्वेश्चन था उसमें ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, और एडी अपॉन में पी एम ये दे रखा था, और यहाँ पर दे रखा है ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, और ए डी अपॉन में पी एम, ये प्रोपोर्शनल है। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है साइड, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। देखो इस क्वेश्चन को जज करने से ही पता चल रहा है कि मेरे पास अगर दो साइडे हैं, ये वाली साइड है और ये वाली साइड, ये साइड है और ये वाली साइड, तो बीच में मुझे क्या चाहिए, बीच में मुझे एंगल चाहिए। अगर ये एंगल आ जाए, सिमिलर आ जाए या इक्वल आ जाए या प्रोपोर्शनल आ जाए, तो मैं बाय एससीएस प्रॉपर्टी ट्रायंगल क्या कर दूंगी, सिमिलर कर दूंगी, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल मैं कैसे लेकर आऊं, तो इस एंगल को लाने के लिए, एंगल ए डी के बराबर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा इधर लिख रही हूँ क्योंकि मुझे इसको प्रोड्यूस करना है, हमें प्रूव यहां लिख रही हूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना, चाहे इस एक ही क्वेश्चन आज ध्यान से समझना, लेकिन इसको आज बिल्कुल रिवाइज करके जाना। प्रोड्यूस कर दो एडी को, एडी को इस तरह से प्रोड्यूस करो कि यहां पर कुछ भी नेम दे दिया मैंने, ई नेम दे दिया, कि एडी को मैंने प्रोड्यूस किया डी ई तक, वो इस तरह से किया कि एडी जो है आपका डी के इक्वल है, एंड ज्वाइन सी टू ई, ठीक है। सिमिलरली प्रोड्यूस पी एम एट पॉइंट एफ सच दैट पी एम इक्वल टू एम एफ, इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है कि ये चीज और ये चीज इक्वल होनी चाहिए,
और ज्वाइन R2F। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई जो मैंने अभी किया? यहां पर कंस्ट्रक्शन लिखो, क्योंकि ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया ना। कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी? कंस्ट्रक्शन में मैं क्या लिखूंगी? जो हमारा यहां पर लिखो प्रोड्यूस एडी एट पॉइंट ई सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड ऑल्सो प्रोड्यूस PM at point F such that F, ये PM को भी F point तक produce किया, इस तरह से produce किया कि PM equal to MF. Join C to E and R to F. यहां तक पहले समझ आ गया सब बच्चों को? क्योंकि बच्चे इन क्वेश्चंस में गिवन टू प्रूव और ये जो कंस्ट्रक्शन पहले यहां तक के वन मार्क्स होते हैं। अगर बच्चे ने डायग्राम बना रखा है, कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है कि विदाउट डायग्राम क्वेश्चन एक्सप्लेन करके आ गए, तो विदाउट डायग्राम हम कैसे जज करेंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है और किस तरह से और कहां आपने वन और टू एंगल शो कर रखा है। बच्चों ने कॉपी करके वन और टू तो लिख दिया और ना तो फिगर बनाई और ना कुछ किया, तो हाउ वी विल जज इट? ठीक है, तो पहले आपने फिगर बनानी है, फिगर को पूरा एक्सप्लेन करना है, देन गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन लिखनी है, उसके बाद स्टेप वाइज हम प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ में क्या करेंगे हम? ध्यान से देखो पहला स्टेप क्या करना है। फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिए। कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने? ट्रायंगल एडीबी लिया और ट्रायंगल डीईसी लिया। क्यों लिया वो भी बता दी। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल डीईसी, ये दो ट्रायंगल में आपके पास क्या क्या चीजें इक्वल है? एक तो ए, यहां पर एडी जो है वो डी के बराबर प्रोड्यूस की थी, इट मींस ये इसके इक्वल है। ए बी इक्वल टू डीई बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। नंबर टू हमारा, क्योंकि ये मीडियन है, मीडियन अपोजिट साइड को क्या करता है? मीडियन अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो हमारा जो बीडी है वो किसके इक्वल है? डीसी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि मीडियन जो होता है वो अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। बीडी और डीसी हाफ बीसी है, समझ आया यहां तक भी? नंबर थ्री, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और बीडी इक्वल टू डीसी, रीजन क्या लिखोगे? एडी इज द मीडियन ऑन बीसी, अपोजिट साइड बीसी। देखो मैंने हर चीज का आपको रीजन बताया है। नाउ अब ट्रायंगल क्या हो गए? अब ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट्स हुए। कौन सी प्रॉपर्टी से? सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट्स हुए। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड, यहां पर ये साइड एंगल साइड, तो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रेंट्स हो गए। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हैं तो ये वाली साइड किसके इक्वल हो गई? ए बी किसके इक्वल हो गया? सी के बराबर हो गया। इसको मैं यूज कहां करूंगी आपको बाद में बताती हूं। यहां पर लिखो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल डी ई सी बाय एस सी एस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अगर ये हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए तो हमें मिला क्या? हमें क्या मिला? ए बी इक्वल टू सी ई बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मैंने सीपीएसटी तब लिखवाया था जब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये वर्ड लिखवाया था ना।
अभी मैंने यहाँ पर लिखा है क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ तक समझ आया आपको? नाउ सेकंड, सेकंड क्या करेंगे, ये मैं रब कर दी हूं, ठीक है। जिस तरह से मैंने ये ट्रायंगल लिया और मुझे मिला ए बी इक्वल टू सी ई, मुझे क्या मिला है, ए बी इक्वल टू सी ई मिल गया, ठीक है। इसी तरह मैं क्या करूंगी, ट्रायंगल पी क्यू एम और ट्रायंगल आर एम एफ में, ठीक है। तो यहां पर लिखो सिमिलरली ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल RMF, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या चीजें हमारी इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल्स में हमारा PM जो है वो MF के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, PM इक्वल टू MF बाय कंस्ट्रक्शन। ये स्टेप कर लोगे ना तो इसके बाद क्वेश्चन देखना कि कितना आसान होगा और तुम्हें क्या मिला, ठीक है। जो PM है वो किसके इक्वल आ गया, MF के बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, ठीक है। तो हमारा एंगल 3 इक्वल टू 4 क्या है, वर्टिकली अपोजिट्स एंगल, और ये मीडियन है PM। तो जैसे AD मीडियन था ऐसे ही अगर PM मीडियन है तो QM भी RM के क्या है, इक्वल है। तो यहां पर लिखो QM इक्वल टू MR आल्सो, क्योंकि PM इज द मीडियन, ठीक है। नाउ द ट्रायंगल्स आर, क्या हो गए ट्रायंगल्स, क्या हो गए ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रेंट्स हो गए, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऐसे ऐसे। तो इससे भी हमें क्या मिला, हमें पी क्यू जो है आर एफ के बराबर मिल गया बाय सीपीसीटी। अब इसको मैं यूज कहां करूंगी, ये दोनों चीजों को, ये दोनों चीजें हम यूज कहां करेंगे, हमारा ये चीज जो है वो किसके बराबर आ गई, पी क्यू किसके बराबर आ गया, आर एफ के। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका? नाउ अब हम क्या करेंगे, ये मैं रब कर रही हूं, एक तो ए बी सी के बराबर आ गया और एक पी क्यू किसके बराबर आ गया, आर एफ के बराबर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, गिवन में हमें दे रखा था कि साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हैं, कौन कौन सी, ध्यान से देखो, कौन सी साइड ए बी प्रोपोर्शनल किसके थी, ए बी किसके प्रोपोर्शनल थी, पी क्यू के। ए बी किसके प्रोपोर्शनल था, पी क्यू के। ए सी किसके प्रोपोर्शनल था, पी आर के। और थर्ड चीज क्या थी हमारे पास, तीसरी चीज क्या थी, ए डी जो था वो प्रोपोर्शनल था पी एम के। यहां तक समझ आया? अब मैं ये जो दो चीजें हैं वो इसमें यूज करूंगी, किस तरह से यूज करूंगी, क्या मैं ए बी की जगह यहां पर सी लिख सकती हूँ, यहां पर ए बी की जगह लिख दिया मैंने सी ई और पी क्यू की जगह लिख दिया मैंने आर एफ, लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये मैंने अभी प्रूव किया है ना और ये मेरे पास गिवन था, ठीक है। तो ए बी की जगह मैंने लिख दिया सी ई, अभी मैंने प्रूव किया है, और पी क्यू की जगह लिख दिया मैंने आर एफ, ठीक है, और ए सी और पी आर को ऐसे ही रहने दिया, और AD को अगर मैं, क्योंकि AD DE के बराबर था, अगर मैं AD को डबल कर दूं, यहां पर मैं दोनों के आगे 2 लगा दूं, तो डबल AD का मतलब, क्योंकि ये चीज इसके बराबर है, अगर इतना हिस्सा उससे आगे इतने ही हिस्से के बराबर है तो इट मींस उसका डबल जो है वो टोटल के बराबर हो जाएगा ना, तो इट मींस जो इसका डबल है, AD का जो डबल है वो किसके बराबर है, AE के। तो इसको मैं AE लिख सकती हूँ इसकी जगह,
सिमिलरली अगर पीएम का भी मैंने डबल कर दिया क्योंकि ये चीज इसके बराबर थी तो इसको मैं पीएफ लिख सकती हूँ। अब ये तीनों चीजें मैं यूज कहाँ करूं, हमारे पास क्या क्या मिल गया है, हमारे पास सी अगर प्रोपोर्शनल है आरएफ के, ध्यान से देख लो आप प्रोपोर्शन क्या बने हैं, अगर सी प्रोपोर्शनल है आरएफ के और एसी प्रोपोर्शनल है पीआर के और ये वाली पूरी साइड प्रोपोर्शनल है इस पूरी साइड के, ए प्रोपोर्शनल अगर पीएफ के है तो इसका मतलब ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, ये वाला जो पूरा ट्रायंगल है इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया ना, ये क्या हो गया, सिमिलर हो गए दोनों ट्रायंगल क्योंकि साइडें क्या है उनकी प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर इससे क्या हुआ, हमारा ट्रायंगल एसीई सिमिलर है ट्रायंगल पीआरएफ के, कौन सी प्रॉपर्टी, क्योंकि साइडें प्रोपोर्शनल है तो कौन सी प्रॉपर्टी, एस एस एस। यहां तक भी बात समझ में आ गई आपको, अगर ये बाय एस 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 ये अगर प्रोपोर्शनल हो गए, ये सिमिलर हो गए बाय साइड साइड साइड, अगर ये ट्रायंगल ये वाला पूरा ट्रायंगल ये वाले पूरे ट्रायंगल के अगर सिमिलर हो गया तो हमें क्या मिला, एंगल 5 इक्वल आ गया एंगल 6 के बाय सी पी एस टी। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर इसी तरह से जो मैंने इस चीज को बढ़ा के यहां से मिलाया था और ये दो ट्रायंगल लिए थे, इसी तरह अगर मैं इसको मिला दूं, यहां से इसको मिला दूं और इसको मिला दूं, अब ये दो ट्रायंगल लेके अगर मैं प्रूव करूंगी, कॉन्ग्रेंट करूंगी, तो हमारा ये वाला पूरा हिस्सा भी इस पूरे हिस्से के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो जैसे 5 इक्वल टू 6 आया, ऐसे ही हमारा 7 इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहां पर लिखो सिमिलरली, उसको करना नहीं है क्योंकि एक स्टेप पूरा करके दिखा दिया है, तो अब आप सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये किससे मिलेगा, ये इस वाले ट्रायंगल से, ट्रायंगल एबीई से और ट्रायंगल पीबीएफ से, ठीक है। तो बाय एडिंग इन दोनों को ऐड कर दो, एंगल 5 में 7 प्लस कर दो और एंगल 6 में 8 प्लस कर दो। तो 5 में 7 प्लस किया तो एंगल ए आया और 6 में 8 प्लस किया तो एंगल पी आया। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि अगर दो साइडें और बीच का एंगल अगर मिल जाए मुझे तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से हो जाएंगे, एस से एस से। तो यहाँ पर ई एंगल इक्वल है बी के, अभी मैंने यहाँ पर ये आ गया इससे, और ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर, ये गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, कौन सी प्रॉपर्टी से, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो बाय एस एस प्रॉपर्टी ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। समझ आया आपको ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन की हर स्टेप को आप अच्छे से समझोगे और स्टेप वाइज ही क्वेश्चन करोगे ताकि आपके इसमें मार्क्स जो है 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। अभी जो मार्क्स स्ट्रेटेजी भी है मैथ्स की वो भी चेंज हो रही है मेरे ख्याल से, तो शायद 4 की जगह जो लास्ट के क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का आएगा, बट अभी कंफर्म नहीं है। तो अभी तक जो सिलेबस डिडक्टेड हुआ है मैंने आपको साथ साथ बताती रही हूँ मैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करना चाहूंगी क्योंकि यू आर फिजिकली हेयर तो आप लोगों को समझ आ रहा है, बट बाकी स्टूडेंट जो हैं एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखो इस क्वेश्चन में और जो 12th क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों में डिफरेंस था ए बी और पी क्यू और बी सी और क्यू आर था उसमें, और उसमें मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर किया था मैंने, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या है, ए बी और पी क्यू और ए सी और पी आर
ये प्रोपोर्शनल है किसके, एडी और पीएम के भी साथ में, ठीक है। तो मुझे कौन सा एंगल चाहिए था, अब एंगल ए और एंगल पी चाहिए था, ठीक है। तो मैंने क्या स्टेप किया, इसको स्टेप वाइज बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, मैंने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो इस साइड को मैंने इस तरह से प्रोड्यूस किया कि ये हिस्सा इसके इक्वल है, ठीक है। और अगर इसको इससे मिला दिया, फिर ये दो ट्रायंगल लेके, ये वर्टिकली अपोजिट्स थे, ये इसके बराबर कंस्ट्रक्शन था, और ये क्योंकि मीडियम था तो ये हिस्सा इसके इक्वल है, तो बाय एससीएस प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स क्या हो गए थे, कॉन्ग्रेंट्स हो गए थे। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गए थे तो ये साइड इसके क्या आ गई थी, इक्वल आ गई थी। सिमिलरली ये साइड हमारी इसके इक्वल आ गई थी, ठीक है। अब मेरे पास गिवन में ये स्टेप दे रखा था, इसको बहुत ध्यान से देखना क्योंकि चेंजेस सारे इसी में ही करने हैं। ये मेरे पास क्या दे रखा था, गिवन दे रखा था। तो इस गिवन को मैंने क्या यूज किया, मैंने ए बी की जगह पुट कर दिया, ए बी की जगह क्या पुट कर दिया, सी पुट कर दिया, और मैंने यहां पर पी क्यू की जगह क्या पुट किया, आर एफ पुट किया, और ए सी अपॉन में पी आर तो हमें चाहिए ही था, ठीक है। और साथ में मैंने मीडियन का डबल किया क्योंकि ये साइड इसके इक्वल की थी, तो मीडियन का डबल, इसका डबल जो है ये पूरे के बराबर हो जाएगा ए, और इसका डबल जो है वो पी एफ के बराबर हो गया। अगर ये चीज इसके प्रोपोर्शनल है, ये पूरी साइड इस पूरी साइड के और ये वाली साइड इसके साइड्स के प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस क्या हो गया, ये पूरा ट्रायंगल जो है इस पूरे ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी से, साइड 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 से। अगर ये प्रोपोर्शनल हो गए तो एंगल 5 इक्वल आ गया एंगल 6 के। सिमिलरली यू कैन प्रूव इट, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, 5 में 7 प्लस किया तो हमारा एंगल ए आया, और या तो एंगल पी आया, और ए बी अपॉन में पी क्यू, ए सी अपॉन में पी आर, ये हमें गिवन था, तो बाय एससीएस प्रॉपर्टी हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। देखो ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इसको अगर आप तीन तीन चार चार बारी प्रैक्टिस करोगे तभी आपके क्लियर हो पाएगा कंसेप्ट, एक बार में नहीं होगा, इसीलिए इनको लिख लिख के देखो अच्छे से, तभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, पहले मैं इक्वेशन बना रही हूँ, क्वेश्चन पढ़ रही हूँ स्टेटमेंट, और इसका एक एग्जांपल है क्वेश्चन इस वाली एक्सरसाइज में, वो एग्जांपल भी जो गर्ल लैम्प पोस्ट से दूरी पर है ना, वो एक एग्जांपल भी अच्छे से करना, शायद 6.5 में होगा या फिर इसमें, एक बार चेक कर लेना। ए वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, ध्यान से देखो, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, ये पोल की हाइट है। ए वर्टिकल पोल 6 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 4 मीटर, उसके ग्राउंड पे जो शेडो है वो 4 मीटर, ये पोल की हाइट है 6 मीटर। ए बी बी द हाइट ऑफ पोल एंड ये है लेंथ ऑफ शेडो। अगर इस तरह के क्वेश्चन 1-1 मार्क्स में आते हैं, और इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करोगे, ध्यान से देखना, ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शेडो 28 मीटर लॉन्ग। एक टावर है, उसकी लेंथ 28 मीटर है, शेडो की है लेंथ, लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है, ये टावर की शेडो है, ठीक है, ये 28 मीटर दे रखी है लेंथ उसकी। आपको हाइट ऑफ टावर जो है वो फाइंड करना है,
तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करेंगे। कैसे करेंगे सिमिलर? आपको प्रॉपर्टीज बताई है मैंने, एंगल एंगल, एस एस और एस एस एस। तो इन दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए मैं कौन से सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करूंगी? देखो इसमें एंगल बी और एंगल क्यू जो है वो कैसे एंगल है, इट्स 90 डिग्री, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बन रहा है, ठीक है, ये वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा, और इसका भी लेट कर लेते हैं ये थीटा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, वो तो एक जैसी आएगी ना शेडो की, तो जो एंगल फॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इट मींस ये हमारा एंगल और ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर एक ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं, दो ट्रायंगल्स के, तो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो अगर वो सिमिलर होंगे तो दे आर प्रोपोर्शनल, उनकी साइड्स जो होंगी वो भी आपस में क्या होगी, सिमिलर होगी ना। तो यहाँ पर सोल्यूशन लिख रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने फिगर में हर चीज दिखा दी है, लेकिन अगर आप इसको लिखना चाहो एक्सप्लेन करके, मान लो ये 3 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन, देन आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा पूरा। कैसे एक्सप्लेन करोगे? तब आप फिगर भी एक्सप्लेन करोगे। कैसे करोगे? तब आप लिखोगे वहां पर ए बी बी द हाइट ऑफ पोल एंड इक्वल टू 6 मीटर एंड लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द पोल इज 4 मीटर। 3 मार्क्स में पूरा एक्सप्लेन करके बता के जाओगे। और अगर 1 मार्क्स में आ जाता है देन ओनली डू द एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन तो करना ही है ट्रायंगल सिमिलर करके, उसमें भी 1 मार्क्स में, लेकिन क्या करना पड़ेगा, देखो इधर ध्यान से, ट्रायंगल एबीसी में एंड ट्रायंगल पीआरक्यू में, ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, ईच 90 डिग्री, ठीक है बच्चे। और साथ में हमारा एंगल सी और एंगल आर, ये वाला हम लिखेंगे कैसे, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू इक्वल टू थीटा, मैंने अज्यूम किया तो मैं थीटा ही लिखूंगी यहाँ पर। ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने लेट कर लिया है ना, तो हमारे ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए हमारे ट्रायंगल्स, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, समझ आया। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स भी क्या है, आपस में प्रोपोर्शनल है। तो ये मैंने नेट कर लेती हूँ, हाइट ऑफ टावर जो है